हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपना सारा अमेज़न पे बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। हाँ जी दोस्तों, मैं ये कोई नहीं बता रहा कि आप लोगों को आपको पेटीएम में आपको ट्रांसफर करना है या फिर किसी और वॉलेट में ट्रांसफर करना है। मैं सीधा आप लोगों को बताऊंगा कि अपना अमेज़न पे बैलेंस सीधा बैंक अकाउंट में आप लोगों को कैसे ट्रांसफर करना है। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं हमारा, क्योंकि सारे ऑफर्स वहां पर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जितने भी बग होते हैं अमेज़न के, पेटीएम के, सारे मैं वहां पर भी आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को पता चल जाएगी अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे। तो अब बात कर लेते हैं क्या बग आया हुआ है, कैसे आप लोग अपना अमेज़न पे बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि अमेज़न आपको कोई ऑफर नहीं देता, कोई ऐसी कंडीशन नहीं देता जिसमें आप लोग अपना अमेज़न पे बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो होता यही है कि कोई बग आता है तभी आप लोग अपना अमेज़न पे बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। लेकिन ये बग जो है ये वेरीफाइड बग है। मैं इसकी वीडियो पहले भी बना चुका हूं अपने चैनल पे, आप लोगों को पता भी होगा इस एप्लीकेशन के बारे में, बट मैंने सोचा आप लोगों को अभी बता देना चाहिए क्योंकि कुछ लोग जो होते हैं अपडेट नहीं होते एप्लीकेशन से कि अभी इसमें आ रखा है ये ऑफर, तो अभी ये बग आ रखा है इस एप्लीकेशन में आप लोग कर सकते हो। तो मैं जिस एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ उसका नाम है ऑगमोंट। इस एप्लीकेशन की मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, इस एप्लीकेशन में अभी बग आया हुआ है। क्या बग आया हुआ है ये आपको डाउनलोड करने के बाद ही पता चलेगा ये एप्लीकेशन। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोगों को ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है। तो डाउनलोड करने के बाद आप लोगों के सामने इंटरफेस दिखाई देता है इस एप्लीकेशन का। इस एप्लीकेशन में होता क्या है ये मैं बता देता हूं आप लोगों को। इस एप्लीकेशन में बेसिकली आप लोग गोल्ड बाय और सेल कर सकते हो। तो जो बाय करने के टाइम पे हम जाते हैं तो पेमेंट करने के टाइम पे हमें अमेज़न पे का ऑप्शन आ जाता है, मेन बग यही है। तो आपको क्या करना है, अमाउंट डालना है अपना जितना भी अमाउंट का आपको गोल्ड खरीदना है, बाय पे क्लिक कर देना है। बाय पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टैक्स वगैरह तो दिखाते हैं, ये टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ चार्ज। आप लोग अपना अमेज़न पे बैलेंस ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं अपना बैंक अकाउंट में, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा चार्ज तो देना पड़ेगा। तो मैं उन्हीं लोगों को सजेस्ट करूंगा जिनको अभी इमरजेंसी अपना अमेज़न पे बैलेंस अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने की ज्यादा जल्दी है, वरना बहुत ऐसे ऑफर आते रहते हैं जब आप लोग फ्री में अपना अमेज़न पे बैलेंस ट्रांसफर कर सकते हो। तो आपको करना यही है कि आपको 10 रुपए का गोल्ड अपना अमेज़न की आईडी वगैरह डाल के खरीद लेना है इसी एप्लीकेशन पे। तो इसके वॉलेट में आप लोगों को गोल्ड दिखाई दे जाएगा जितना 10 रुपए का आप लोगों को खरीद सकते हो। तो ये कुछ 9 रुपए 42 पैसे समथिंग आप लोगों को गोल्ड मिलेगा 10 रुपए 22 पैसे का। तो ये 9 रुपए 42 पैसे जो है ये आप लोग अपने डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे ही करके आपका जितना भी अमेज़न पे बैलेंस है सारा आप लोग इसमें पहले गोल्ड खरीद लो इतने ही अमेज़न पे बैलेंस का, उसके बाद अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लो। बस इसमें होगा यही, आप लोगों को करना यही है। उसके बाद सेल का ऑप्शन दिखाई देता है आप लोगों को इस एप्लीकेशन में, तो सेल पे आप लोगों को क्लिक कर देना। उसके बाद अमाउंट डाल देना, जितने आपकी क्वांटिटी है देख लेनी आप लोगों को। क्वांटिटी डालोगे तो जितने भी क्वांटिटी डालोगे उसके हिसाब से उतना प्राइस दिखा देगा, जो भी प्राइस होगा। जैसे 9 रुपए 42 पैसे दिखा रहा है तो कम से कम मिनिमम जो सेलिंग प्राइस होती है वो 10 रुपए से ज्यादा होती है, तो वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा अपने हिसाब से। जितने का गोल्ड खरीदोगे उतने ही पैसे मिलेंगे, तो आप लोगों को यही करना है। बाकी इसमें आप लोग बाय करने के बाद गोल्ड जो सेल कर सकते हो उसका टाइम 48 आवर्स है, जो कि आरबीआई ने रखा हुआ है बेसिकली गोल्ड सेलिंग पे। तो आप लोग इंस्टेंट नहीं सेल कर सकते। पहले क्या होता था इसमें आप लोग इंस्टेंट सेल कर सकते थे, बट अब आरबीआई ने ये हटा दिया है। अब आप लोग को कम से कम 48 आवर्स वेट करना पड़ेगा, 48 आवर्स के बाद आप लोग सेल कर सकते हो ये वाला गोल्ड। उसके बाद कुछ 5 से 7 दिन में आपके बैंक अकाउंट में भी ये जितना भी आप लोग पैसा सेल करोगे, गोल्ड सेल करोगे, वो आपके बैंक अकाउंट में भी आ जाएगा जितने भी पैसे होंगे। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, ट्रस्टेड वेबसाइट है, इसकी एप्लीकेशन भी है, कोई नया बग नहीं है, ये पहले भी हम लोग कर चुके हैं, तो आपके अकाउंट में सारे पैसे आ जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।